अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। ताज़ा तरीन सूरतेहाल से आपको आगाह करते चलें। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवन्यू FBR ने टैक्स नेट बढ़ाने की हतमी तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत परचून फरोशों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक FBR के जरिए के मुताबिक 55 लाख परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाया जाएगा और छोटे से छोटा दुकानदार भी टैक्स नेट में शामिल होगा। जरिए ने मजीद बताया, महकमे के पास फरिश्ते मौजूद हैं और इनकी स्क्राउंडिंग भी हो चुकी है। टैक्स नेट में आने वाले तमाम दुकानदार नए माली साल से टैक्स गोशवारे जमा करवाने के पाबंद होंगे। कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिनकी महाना लाखों रुपए की सेल है। इन दुकानदारों का रहन सहन, घर, गाड़ी टैक्स नेट में शामिल नहीं है। टैक्स नेट में ना होने की वजह से हर बार IMF के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। जरिए ने मजीद बताया, जिस तरह बिजली और गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन भी इसी तर्ज का होने जा रहा है। ख्याल रहे की बैनुल कुवामी मालियाती फंड IMF फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू FBR से इस्तफसार किया था की 30 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए परचून फरोशों की स्कीम का नफाज कब किया जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा सूरत हाल जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।